हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बैंडल चर्च वाली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा हुगली इमामबाड़ा को, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हुगली इमामबाड़ा। वहाँ पे कैसे कैसे जा सकते हैं और थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे उसके बारे में। तो यहीं से मैंने लास्ट वीडियो एंड करी थी और यहीं से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड तक पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो हुगली इमामबाड़ा हम लोग आज जाएंगे। वहाँ जाने के लिए हमको इन नाव में बैठ के जाना पड़ेगा। तो अभी जो है बोला गया है कि पानी का लेवल अभी बहुत नीचे है, इसलिए हम अभी नहीं जा सकते, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। पानी का लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा तब हम इन नाव में बैठ के आगे जाएंगे। अभी तो खैर थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है मुझे। तो वैसे नदियों के किनारे ऐसे ही होते हैं इंडिया में खासकर, तो जब तक पानी ऊपर नहीं जाता, जब तक लेवल नहीं बढ़ता पानी का, हम यहाँ पे चाय और कुछ नाश्ता वास्ता कर लेंगे ताकि पेट भरा रहे। तो आधे की जगह हमने 1 घंटा वेट किया मगर पानी का लेवल उतना ऊपर नहीं आया। तो हमारे जो भैया नाव वाले, इन्होंने ये बोला कि अब हम जा सकते हैं अगर आप चाहे तो। हमने कहा ठीक है चलते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ, ये थोड़ा गंदा गंदा आपको लग रहा होगा स्टार्टिंग में, बट मैं ये काट भी सकता था पर मैंने पूरा दिखाया क्योंकि आपको भी पता लगना चाहिए ना कि कहाँ से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट ऐसे ही होगा पर ट्रस्ट मी, आगे जाके आपको बहुत मज़ा आने वाला है जब आप नदी के बीच में होंगे। तो फाइनली हम लोग वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा सनी डे था वो, इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही थी कि कैमरा ही एडजस्ट नहीं कर पा रहा था मैं, इतनी ज़्यादा तेज़ की धूप थी। और कैमरा, ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है सारा पानी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये भैया हमें कहाँ से मिले थे। जैसे ही आप बैंडल चर्च के पीछे वाली गली से हुगली इमामबाड़ा के लिए आएंगे तो वहीं पे आपको ये सब दिखेंगे बैठे हुए भैया लोग। ये एक्चुअली में मछुआरे हैं, फिश पकड़ते हैं और अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये लोग हमें इमामबाड़ा तक ले जाना और वहाँ से लाने का काम भी करते हैं। तो मैं बता दूँ, इन्होंने हमसे लिए थे 350 रुपीज़, और इस 350 रुपीज़ में हमारा आना और जाना दोनों था। मींस हुगली इमामबाड़ा तक ही लेकर भी आए हमको और वहाँ से वापस उस जगह तक हमें छोड़ भी दिया था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आप लोग जो है बाय रोड भी जा सकते हैं हुगली इमामबाड़ा और बाय दिस बोट, नाव में भी जा सकते हैं। तो जब आप बाय रोड जाएंगे तो आप इसकी फ्रंट साइड से एंटर करेंगे हुगली इमामबाड़ा के, और अगर आप बाय बोट जाएंगे तो आप इसकी बैक साइड से एंटर करेंगे। ये डिफरेंस है दोनों में। ये देखिए पीछे और भी लोग आ रहे हैं बोट से। खैर बाय रोड तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, सभी करते हैं, तो हम जो है कुछ अलग एक्सपीरियंस के लिए, कुछ फॉर अ चेंज के लिए। अब देखो नाव में तो हम लोग रोज़ रोज़ नहीं बैठ सकते, दिल्ली वाले लोग हैं कहाँ से बैठेंगे, या आप जहाँ से भी होंगे नाव में मेरे ख्याल से ज़्यादा हम लोग बैठते नहीं हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने नाव को प्रेफर किया। मैं पर्सनली बताऊं तो आप अगर जाओगे प्लीज़ आप नाव में ही जाना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। नदी के बीच में एकदम शांत, सिर्फ पानी की आवाज़ आएगी आपको, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आपको। पर्सनली बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगा था। और आप नाव से ही आना यहाँ पे। अगर टोटल टाइम की हम लोग बात करें तो बैंडल चर्च से हुगली इमामबाड़ा बाय दिस बोट जाने के लिए आपको 20 to 30 मिनट्स लगते हैं। डिपेंड्स कि पानी का बहाव किस तरफ है, अगर आपकी ओपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि नाव ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर उसी डायरेक्शन में तो आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बताऊँ, जाते टाइम हमको 30 मिनट्स लगे थे और आते टाइम क्योंकि डायरेक्शन सेम थी तो जल्दी हम लोग पहुँच गए थे, 20 मिनट्स लगे थे हमको। अब जो भी लोग बैंडल चर्च आते हैं, 90% लोग उनमें से भी जो है बैंडल चर्च के बाद हुगली इमामबाड़ा ज़रूर आते हैं। तो अगर आपने बैंडल चर्च वाली वीडियो नहीं देखी, ब्लॉग नहीं देखा, तो मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वो ज़रूर आप देख लेना। तो आने जाने की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी,
स्टिल अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आंसर कर दूंगा। अब थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं वहाँ पहुँचने से पहले, आई थिंक पहुँचने वाले हम लोग। तो हुगली इमामबाड़ा का कंस्ट्रक्शन जो है वो मोहम्मद मोहसिन ने 1841 में स्टार्ट किया था एंड 1861 में ये कंप्लीट हो गया था। पूरे 20 साल लगे थे इसे कंस्ट्रक्ट होने में। आर्किटेक्ट करमतुल्ला खान ने इसे डिज़ाइन किया था। ये एक टू स्टोरीड बिल्डिंग है जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इमामबाड़ा के अंदर एक मॉस्क है जिनकी दीवारों पर कुरान की बातें लिखी गई है, और जो इंटीरियर्स है वो मार्बल्स, कैंडल्स और हैंगिंग लैंटर्न से सजाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आर्किटेक्ट करमतुल्ला खान ने इस इमामबाड़ा को डिज़ाइन किया है, और जो सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन है इस इमामबाड़ा का वो है 85 फीट टॉल क्लॉक टावर। इसके लिए जो है मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग एंट्रीज रखी गई हैं। वहाँ आप अंदर भी जा सकते हैं, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ऊपर जाने के बाद जब आप टॉप पे पहुँच जाएंगे तो आपको क्लॉक्स भी दिखेंगी बड़ी बड़ी, और वहाँ से जो व्यू आता है आप हुगली रिवर और हुगली ब्रिज जो है वो भी देख सकते हैं टॉप से एकदम, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे। और लास्ट में मैं आपको एक सनडायल दिखाऊंगा जो एकदम ही एक्यूरेट टाइम बताएगा। मैं आपको वॉच से कंपेयर करके बताऊंगा सनडायल को। ऑलमोस्ट हम लोग अब इमामबाड़ा पहुंच चुके हैं, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, हमको दिखने लगा है अभी इमामबाड़ा यहाँ से। अभी भैया हमारी नाव जो है किनारे में लगा रहे ताकि हम सेफली उतर सके, क्योंकि इस ज़मीन में उतरना थोड़ा रिस्की लग रहा है मेरे को। तो फाइनली हम लोग हुगली इमामबाड़ा पहुंच चुके हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है हुगली इमामबाड़ा, और ये मैं बता दूँ हम लोग बैक साइड से एंटर हुए। फ्रंट साइड से आते तो क्लॉक टावर दिखता, पर हम बैक साइड से एंटर हो रहे हैं। ये स्टार्टिंग में आपको स्टेयर्स दिखेंगी, इनमें चढ़ के ही आप ऊपर जैसी जाएंगे तो एंटर हो जाएंगे आप हुगली इमामबाड़ा में। एंट्री के लिए आपको 10 रुपये की टिकट लगेगी, और इस टिकट में वही सब लिखा है जो मैंने आपको बताया, जो जो आपको दिखने वाला है वो मैं आपको सारा इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं ये मेरे को एक बिल्डिंग दिख रही है सामने। इस बिल्डिंग की हालत थोड़ी ख़राब सी लग रही है क्योंकि 150 साल से भी पुरानी बिल्डिंग है ये। एग्जैक्ट देखे तो 160+ ईयर्स पहले ये बिल्डिंग बनाई गई थी। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस बिल्डिंग में आपको ज़रूर आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप यहाँ पर हर जगह पर फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते, वीडियो भी नहीं बना सकते। आप बाहर से वीडियो बना सकते हैं, पर ये जो आप देख रहे हैं अभी ये मॉस्क है जिसके अंदर हम जाएंगे, पर इसकी हम वीडियो नहीं बना सकते, फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते, यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और ये क्लॉक टावर आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं ले जाऊँगा आपको यहाँ के, आप वीडियो बना सकते हैं। तो ये मॉस्क की एंट्री है जिसके अंदर हम लोग अभी जाएंगे, और यहाँ पे जाने से पहले शूज़ आपको बाहर उतारने पड़ेंगे, और अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो अंदर मैं जाता हूँ और बाहर आके आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग अब बाहर आ चुके हैं मॉस्क से। ये यहाँ जो पर्दे लग रहे हैं यहाँ से हमने एंट्री ली थी, और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल अंदर बनाया हुआ है, इतना अच्छा मार्बल, लैंटर्न्स, कैंडल्स, इतने अच्छे से सजाया हुआ है अंदर, मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप ज़रूर आना यहाँ पे एक बार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा व्यू आपको मिलने वाला है यहाँ पे आने के बाद। ये देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। अब ये जो मेन अट्रैक्शन है हुगली इमामबाड़ा की वो ये क्लॉक टावर है जहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था लेडीज़ की अलग एंट्री है और जेंट्स की अलग एंट्री है।
अब क्योंकि मैं जेंट्स हूँ तो मैं जेंट्स वाले में जाऊँगा, और मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि 152 स्टेयर्स मुझे नहीं लगता आपको देखना चाहिए। मैं सीधा ऊपर जाके दिखाऊँगा आपको, और बीच बीच में जो आएगा वो दिखाऊँगा। हम थक गए थे वैसे, धीरे धीरे चल रहे थे पर जाना तो था ही ऊपर। तो जाते जाते सबसे पहले जो हमें दिखा वो ये एक्चुअली में जो मैकेनिज्म होता है एक क्लॉक को चलाने के लिए, वो है इस रूम के अंदर। अंदर नहीं जा सकते बट हम बाहर से ही देख सकते हैं। जो मैकेनिज्म एक क्लॉक के अंदर, एक घड़ी के अंदर होता है, वो सब है। फिर हम जैसे ही थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए, ये जो है बड़े बड़े घंटे जिसे हम कहते हैं क्लॉक, जो घंटियाँ होती है बड़ी बड़ी, कम से कम मेरे ख्याल से 150 टन शायद इनका वेट है, ऐसे 2-3 दिखे हमको। ये बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, फ़ोन में छोटे लग रहे हैं बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ये दिखे हमको। फिर हम और थोड़ा ऊपर गए तो फाइनली अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये व्यू, जिसके लिए ऊपर आना वर्थ है। आप ऊपर आएंगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखने वाला, इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल व्यू है। या ब्रिज भी देख सकते हैं, हुगली ब्रिज, इसी में ट्रेन चलती है, वहीं से हम लोग आए थे। जब हम बैंडल चर्च वाली वीडियो में देखना, उसी ब्रिज से हम आए थे। और ये व्यू एक बार आप देखो, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है? ये पूरा जो है हुगली रिवर है ये, और इसी व्यू के लिए हम लोग जो 152 स्टेयर्स चढ़ के आए हैं। कोई रिग्रेट नहीं हो रहा, हालांकि थकान हुई थी बट जो व्यू है ये देखने के लिए तो इतना बनता है। शक्ल देखो आप मेरी कैसी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा जो धूप लगी हमको, इतना ज़्यादा जो हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के आए 152 स्टेयर्स, पर उसके बाद जो व्यू हमें दिखा वो टोटली वर्थ इट था। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमको। मजाक मजाक में चढ़ तो गए, अब हम उतरेंगे कैसे, मैं तो ये सोचने लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ऊपर है ये। एकदम एंड पॉइंट तक हम लोग आ गए हैं, देखो इससे आगे हम लोग जा ही नहीं सकते, और इसके आगे बस उतरना ही है। एक और बार फिर से ये व्यू आप देख लो, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है ये, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं पहले भी आ चुका हूँ पर तब मैं छोटा था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूरी व्लॉग बना रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगा है। और अब हम लोग नीचे जाएंगे, और नीचे जाते जाते जो है मैं आपको फटाफट से बोल रहा हूँ कि लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दो इस वीडियो को। तो जाते जाते यहाँ पे एक सनडायल भी है जो कि देखना ज़रूर बनता है। क्यों मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसमें टाइमिंग कैसे दिख रही है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे टाइमिंग लिखी हुई है, जो आधा घंटा, 15 मिनट और 1 घंटे में बांटा गया है। तो अगर आप मेरी वॉच में टाइम देखें तो 1:40 हो रहा है, और अगर आप इस सनडायल में देखेंगे तो 1:45 के आसपास की टाइमिंग हो रही है। मतलब इतनी ज़्यादा एक्यूरेट, मैं बता रहा हूँ मेरी घड़ी गलत है, अरे सनडायल ठीक है, इतना ज़्यादा एक्यूरेट ये टाइमिंग दिखा रही है। तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे इस सनडायल को ज़रूर देखना और अपनी वॉच से कंपेयर करना, आपकी वॉच गलत होगी, ये सनडायल ठीक होने वाला है, इतना ज़्यादा एक्यूरेट है। तो फाइनली अब इस व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। हम वापस से उसी नाव में बैठ के जाएंगे जिस नाव से आए थे। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट्स करना, लाइक करना इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि वो भी जाएं और आप भी जाओ कभी ना कभी इस हुगली इमामबाड़ा में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आपको। और क्लॉक टावर में चढ़ के जो व्यू आएगा इसी नदी का, हुगली रिवर का, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, मतलब आपको मेरी आवाज़ सुनने की आदत हो चुकी है, ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को। बाय।